रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर आप पढ़ रहे थे अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। अप्लाइड साइक्रोमेट्री और हीट लोड एप्लीकेशन में आपने डिफरेंट टाइप के हीट लोड पढ़े थे, डिफरेंट टाइप की साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर लाइंस पढ़ी थी, ठीक है। साइक्रोमेट्री होती क्या है सब कुछ पढ़ा है आपने डिटेल के अंदर, और लास्ट में आप कर रहे थे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कितने उसके डिफरेंट टाइप्स कर रहे थे, बहुत सारे तरीके के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं आप, लेकिन जो अपनी डिटेल्ड उसकी जो वर्किंग है वो सेम रहेगी, उसी के बेस पे सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वर्क कर रहे हैं जिसके बारे में आपने बताया था। नेक्स्ट है आपका एयर कंडीशनिंग इन कार्स या कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यूजुअली कार्स के अंदर जो 3 टन कैपेसिटी का टन्स के अंदर ही अपन मापते हैं रेफ्रिजरेशन को, तो 3 टन कैपेसिटी का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो अपन यूज करते हैं जनरली। तो इसके बारे में क्या होता है, ये अब जो महंगी गाड़ियां जो टॉप मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर ये फर्क हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो कैपेसिटी है एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वो अलग अलग होती है, ठीक है, किसी के अंदर ज्यादा होती है किसी के अंदर कम होती है। तो ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके अंदर भी वही एक रेफ्रिजरेंट आएगा, वही रेफ्रिजरेंट पहले कंप्रेस होएगा और फिर कंप्रेस होने के बाद आपका वो किस में जाएगा, उसको आप ग्रिल एक उसके कन्वर्टर हीट ट्रांसफर के अंदर उसको डालेंगे, उसमें से एयर क्रॉस करवाएंगे और एयर जो है बिल्कुल कूल हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ड्यू टू वो रेफ्रिजरेंट की इवेपोरेशन के कारण, ठीक है। अब जान दो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन कार के अंदर से क्या डिफरेंस है, कि जो अपने होम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं वो किसी तरह चलते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से उनकी वर्किंग चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से वो अपना वर्क करना स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो कार के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, अगर आप एयर कंडीशनर ऑन कर दो, वो एयर कंडीशनर ऑन होएगा ही नहीं, क्योंकि एयर कंडीशनर कैसे चलता है इन कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो एयर कंडीशनर का पंप है, पंप वो किससे चलता है, पंप दोनों चीजों में होता है, पंप या कंप्रेसर लिखते हैं आप, इसको पंप नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर जो होता है वो अगर घरों की बात करें, अगर होम जो एयर कंडीशनिंग है उसके अंदर वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन कार्स के अंदर वो किससे चलता है, इंजन से। कंप्रेसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंजन से कनेक्टेड होता है, बेल्ट चढ़ी रहती है उसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर। जब आप इसको ऑन करते हैं, इसके अंदर जो पार्ट्स है हमको ऑन करते हैं, तब वो गाड़ी के ऊपर लोड डालता है, ठीक है। इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है कंप्रेसर, और जब आप उसको स्टार्ट कर देते हैं तब उसके ऊपर लोड पड़ता है पूरे अप्लायंसेस पूरी गाड़ी के ऊपर, जिसके कारण वो कंप्रेस करना स्टार्ट करता है एयर को, और एयर को कंप्रेस करने सॉरी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना स्टार्ट करता है। तो उसके अंदर क्या रहता है, इंजन के साथ वो कनेक्टेड है कंप्रेसर, कंप्रेसर से वही सारी वर्किंग होती है सेम टू सेम। कंप्रेसर से जो आपकी जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट है वो जाता है किसके अंदर, एक कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर यहाँ पे सेम रहता है गाड़ी के आगे, एक वो रहता है एक रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है, इंजन के अंदर कूल्ड वाटर पहुंचाना, वाटर को ठंडा करके इंजन के अंदर पहुंचाना। उसी के साथ एक और रेडिएटर जैसा पार्ट रहता है, वो होता है कंडेंसर, ठीक है। गाड़ी के आगे जाता है कंप्रेसर, जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो इंजन के साथ, इंजन के साथ जो है वो कंप्रेसर कनेक्टेड है, ये है आ गया कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो किसके अंदर जाना चाहिए था, कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर कहाँ लगा रहता है, गाड़ी के बिल्कुल आगे, बहुत ही सामने, ठीक है। ऐसे गाड़ी का जो आगे वाला पोर्शन होता है, आगे वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे रेडिएटर रहता है बिल्कुल सामने गाड़ी के। इस रेडिएटर के साथ एक छोटा रेडिएटर और रहता है, रेडिएटर जैसा पार्ट, वो क्या होता है, छोटा रेडिएटर जैसा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो रहता है कंडेंसर। कंडेंसर के बाद फिर से जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन में जाता है या कैपिलरी ट्यूब
बाद वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ से इतना सब काम करने के बाद अब आगे आ गया इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर वाला पोर्शन कौन सा होता है, यहाँ पे ना गाड़ी के अंदर आप ध्यान देना, गाड़ी के आगे ना ग्रिल्स लगी रहती हैं छोटी छोटी, उन ग्रिल्स के जरिए एयर जो है अंदर आ रही होती है। जब आप सिंपल फैन ऑन करते हो, वो फैन जो होता है वो मोटर उससे कनेक्टेड होता है सिंपल, आपका इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता इंजन से, वो अब अगर आप बैटरी से भी चलाओगे तो भी चलेगा। तो क्या होता है, उसके अंदर से एयर जो है वो क्रॉस कर रही होती है लाइक ऐसे, ठीक है, वो ऐसे ग्रिल होती है, यहाँ पे उसके सामने पोर्शन होता है उसको ऊपर नीचे करने का, गाड़ी के अंदर देखना आप, यहाँ पे आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दूसरी तरफ अपना जो एयर कंडीशनर का काम है, यहाँ से सिंपल फैन होता है इसके अंदर, यहाँ पे फैन लगा रहता है, वो फैन जो है एयर को कंप्रेस करके इसके अंदर से भेजता है और बहुत ही स्पीड से वो यहाँ से एयर को आगे ट्रांसफर करवाता है। नेक्स्ट, जब आपका एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है, अब सिंपल फैन ऑन हो रहा था, फैन का कोई काम नहीं है, फैन ने जस्ट बाहर से हवा को अंदर फेंकना है। एयर कंडीशनर का सिस्टम क्या होता है, जब एयर कंडीशनर ऑन हुआ, कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर गया कंडेंसर के अंदर, वहां पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसके अंदर आया, कैपिलरी ट्यूब ने उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया, चिल्ड कर दिया उसके ऊपर, जो बिल्कुल उसको प्योर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दिया। उसके बाद वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो इस ग्रिल के अंदर से गुजरता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, उसकी कॉइल बन जाती है और फिर से वो सीधा पाइप होके वो किसमें चला जाता है, कंप्रेसर के अंदर। जो ये वाली कॉइल है, जब फैन से हवा इसके अंदर से क्रॉस करती है तो वो हवा जो है, वो एयर जो है बिल्कुल चिल्ड हो जाती है, बिल्कुल कूल्ड हो जाती है और जो ग्रिल के बाहर से एयर निकलती है वो बिल्कुल ठंडी एयर, बिल्कुल वो कूल्ड एयर, एयर कंडीशनर की एयर जो है वो उसमें से एंटर करती है। तो इतनी सिंपल सी वर्किंग है जिसके अंदर आप कार के सिस्टम को यूज करते हैं। आपने डायग्राम कुछ नहीं बना के दिखाना, आपने जस्ट वर्किंग बतानी है कि उसके अंदर जो कंप्रेसर रहता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, इंजन के साथ। व्हेन रेफ्रिजरेंट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लोअर, इसको ब्लोअर बोलते हैं, जो सिंपल जो उसके अंदर ब्लोअर लगा रहता है, फैन लगा रहता है, उसको ब्लोअर बोलते हैं। ब्लोअर के डायरेक्ट टच में आती है जो इवेपोरेटर, तो वो उसको बिल्कुल कूल्ड कर देता है, उसको ठंडा कर देता है एयर का, और जो एयर एंटर करती है उसके बाद एयर कंडीशनर ऑन करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अपने उसको कूल कर दिया इन इवेपोरेशन, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है और उसके कारण अपने उसको कूल कर दिया। तो इतनी सी वर्किंग है, आपने सिंपल वर्किंग लिखनी है उसकी, बाकी सारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम सेम ही वर्क करेगा चाहे किसी भी चीज का हो। उसके अंदर बस क्या फर्क आ जाएगा कि उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं। तो एयर कार्स के अंदर आप ब्लोअर के आगे उसको फिट कर देंगे कोयल को, जो आपकी इवेपोरेशन कोयल है, इवेपोरेटिंग कोयल होगी ये जो ब्लोअर के आगे फिट हुई, तो उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर बिल्कुल उसको ठंडा कर देगा, जिसके कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क करेगा गाड़ियों के अंदर। तो ये सारी बातें थी, आपने अप्लाइड साइक्रोमेट्री के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बारे में आपने डिटेल में वर्क किया है। कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसी के अंदर से, वो भी आपने क्लियर किए हैं कि कैसे कोई आपका कोई भी सिस्टम है वो वर्क करता है। कई बार एक क्वेश्चन आया था जैसे अप्लाइड साइक्रोमेट्री के ऊपर, ADP, एक होता है DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एक होता है ADP, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। तो कई बार क्वेश्चन आया था है दो नंबर में कि ADP क्या होता है, ADP होता है ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट और डी जो आपका DPT होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आप लोग कर लेना। और अपन साइक्रोमेट्री के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और कोई भी सिस्टम आ जाए, बस एयर कंडीशनिंग सिस्टम आ जाए, ठीक है, एयर कंडीशनिंग इन रेलवे कोच आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसके अंदर बस अपने वर्किंग सेम है सारी,
उसके अंदर बस कंडीशनिंग का सिस्टम कैसा रहता है कि जो आपका कई बार आइस प्लांट के ऊपर आ जाए कि आइस प्लांट को कैसे रेफ्रिजरेशन किया जाता है या किसी आपका कोल्ड स्टोरेज को कैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम किया जाता है, उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, सब में वर्किंग सेम आएगी। कंप्रेसर आएगा, कंडेंसर आएगा और आपका एक्सपेंशन वाल्व आएगा, और सब बाद में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका, जहाँ पे इवेपोरेशन आएगा, जहाँ पे अपन ने कूलिंग करनी है वहां पे, उस जगह पे आपा लगा देंगे, उसके अंदर से हवा क्रॉस करेगी और उसको ठंडा करती रहेगी और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे ही सारी वर्किंग होगी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूछ ले, उसके अंदर अपने सेम ही वर्किंग रखनी है, वर्किंग सेम होती है, पार्ट्स इतने ही होते हैं, सिर्फ दो चीजें चेंज होगी, एक तो कैपेसिटी चेंज होगी और दूसरा क्या चेंज होगा, एक्सपेंशन वाल्व्स चेंज होते रहेंगे। किसी में तो आप यूज करते हैं जो आपका कैपिलरी ट्यूब, किसी में आप एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था ये यही इतना ही था, नेक्स्ट चैप्टर छोटा सा है एक लेक्चर का, जिसके अंदर अपन न्यू एडवांस कोई एडवांसमेंट हुई है, न्यू कोई लॉन्च हुआ है अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन फिलहाल जो साइक्रोमेट्री के ऊपर बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, जहाँ जो चीजें रह गई थी उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। लोड कैलकुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सेंसिबल हीट गेन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिबल हीट गेन और लेटेंट हीट गेन। सेंसिबल हीट गेन के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेंसिबल हीट गेन के बारे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूम सेंसिबल हीट गेन। क्वेश्चन पिछली बार ऐसे नहीं आता सेंसिबल हीट गेन, क्वेश्चन ये आता रूम सेंसिबल हीट गेन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूम सेंसिबल हीट गेन करने में मदद कर रहे हैं, रूम सेंसिबल हीट कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कहां से वो रूम सेंसिबल हीट बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है जितनी भी चीजें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जितनी भी चीजें आती है कॉन्टेक्ट में ऑफ हीट, हीट सोर्स जितने भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, डायरेक्ट टच में आए, वो कौन से हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर्स हैं वो, ठीक है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर्स। इसके अंदर अब दो तरीके के रूम सेंसिबल हीट फैक्टर्स आते हैं, एक तो मेजर फैक्टर्स, एक माइनर फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनके कारण बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर्स मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं, ध्यान दो, जिनके कारण बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और माइनर फैक्टर्स कौन से हैं जिनके कारण आपका टेम्परेचर के अंदर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, बस इतना सा फर्क है। मान लो आप चेयर बाहर से उठा के लेके आए, छोटे मोटी एप्लीकेशन आप कोई चीज उठा के लेके आए बाहर से अंदर, तो वो क्या है, कोई मोबाइल फोन चार्जर पे लगा दिया तो उसके कारण भी हीट हो रही है, तो वो बहुत ही कम हीट हो रही है, उसके कारण उतना लोड नहीं पड़ रहा, तो वो किसके अंदर आ गए, माइनर फैक्टर्स के अंदर आ गए, माइनर हीट लोड फैक्टर्स के अंदर आ गए। मेजर हीट लोड फैक्टर्स कौन से हो गए, जैसे विंडो के अंदर से सन रेज आ रही है, रेज कमिंग फ्रॉम विंडोज, जा रेडिएशन एंटरिंग फ्रॉम ग्लास विंडो, ग्लास विंडो, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण रूम बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और उसको कूलिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा है। दूसरा सन रेज या रेडिएशन या आपके स्टोरेज और हीट स्टोरेज इन स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, ये मेजर फैक्टर है, हीट स्टोरेज इन जो स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टोरेज की तरह काम करता है फॉर जो आपका जहां से एयर क्रॉस करती है, तो उसके जो हीट स्टोरेज की तरह जो यूनिट काम करती है, जैसे वॉल्स होती हैं,
ध्यान देना गर्मियों के अंदर वॉल्स के ऊपर इतनी ज्यादा हीट हो जाती है कि वो उनको कई बार बाहर से आप हाथ तक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये भी मेजर फैक्टर है, एक हीट को स्टोरेज करता है और वही हीट को ट्रांसफर कर देता है रूम के अंदर। अगर बाहर से जो है रेडिएशन आ रही है वॉल के ऊपर, तो वॉल हीट होगी और वो पूरे रूम को हीट कर देगी, क्योंकि रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। रेडिएशन कैन बी ट्रांसफर थ्रू द मेटल, मैटर, कोई भी मैटर हो उसके अंदर से वो क्रॉस कर जाती है हीट, बस वो हीट का कंडक्टर होना चाहिए। और वॉल्स जो होती हैं घर की, जो स्ट्रक्चर होता है वो तो हीट का जो है वो ट्रांसफर का कंडक्टर ही नहीं होता, बल्कि वो तो स्टोरेज भी करता है हीट की। मतलब कि आप स्ट्रक्चर जो है हीट हो जाता है और हो सकता है कि आधी रात तक वो हीट रहे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब तक वो कूल होगा, ठंडा होगा, तब तक फिर से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, फिर से हीट होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान देना, अब आपका कई बार टाइम जो होता है 9 और 10 बजे का टाइम, उस कंडीशन में सन जो होता है वो बिल्कुल अस्त हो चुका होता है, सन जो होता है दिखाई नहीं दे रहा होता, उसकी रेडिएशन भी खत्म हो जाती है, लेकिन रूम फिर भी हॉट रहता है, गर्म रहता है। फिर आप दूसरे दिन जब सुबह उठते हो तब वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। उसका कारण यही होता है कि जो स्ट्रक्चर था उसने खुद में स्टोरेज कर रखा था हीट को, वो उसको ट्रांसफर करता है एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है बाद में रात को, तो उसके अंदर ट्रांसफर होता रहता है, जिसके कारण सुबह तक स्ट्रक्चर के अंदर हीट नहीं रहती, फिर वो रूम से हीट बाहर की ओर छोड़ना शुरू कर देता है, उल्टा हो जाता है उसका काम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कूलिंग बढ़ती है, फिर से सुबह आपको ठंड लगती है उसी रूम में जिसके अंदर शाम को आपको गर्मी लग रही थी। तो ये क्या है, मेजर फैक्टर्स हैं जो रूम सेंसिबल हीट के, कौन सा हीट स्टोरेज इन स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, जो के बाद में रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द रूम और उसको ठंडा करना पड़ता है, ये भी मेजर फैक्टर है, ठीक है। ऑक्यूपेंट्स जो होते हैं वो इतना हीट लोड नहीं इंक्रीज करते, लेकिन ऑक्यूपेंट से भी हीट रिलीज होती है कंटिन्यू। तो ऑक्यूपेंट्स जैसे कि कोई इंसान जो कि एयर कंडीशनिंग रूम के अंदर बैठा है, वो कंटिन्यू सांस छोड़ता है, हीट उसकी बॉडी में खुद वो प्रिपेयर होती है, अंदर से बनती है, तो जब उसको हीट को छोड़ता है तो वो रूम को गर्म कर देता है, जिसके कारण अब एयर कंडीशनर का काम बढ़ जाता है। तो ऑक्यूपेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल उसके अंदर निभाते हैं हीट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो ये सारे पर्पस, ये सारे वर्क जो है आपके किसने करने हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने इनको खत्म करना है, कम करना है। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग के अंदर मेजर और माइनर के अंदर, माइनर के अंदर मैंने बताया कि मोबाइल को चार्जर लगा दिया आपने, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया तो क्या होगा, थोड़ी सी हीट आ गई उसमें, तो ये क्या है, एक माइनर फैक्टर है जो कि हीट लोड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या जैसे आपने चेयर उठा के अंदर लेके आए, तो वो चेयर बाहर तो गर्म थी थोड़ी सी, जैसे ही अंदर आया तो वो थोड़ी सी ठंडी होना है, उसको ठंडी करना पड़ेगा जितना टेम्परेचर रूम का है। चेयर का टेम्परेचर जो होगा वो हो सकता है कि 16 डिग्री हो या 20 डिग्री हो और रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री हो, तो ये 4 डिग्री का जो डिफरेंस आया, 4 डिग्री का डिफरेंस आया, उसको लो करना पड़ेगा, एयर कंडीशनर का काम है। तो ये भी एक लोड है, लेकिन ये माइनर लोड्स हैं। तो जो आपके सन रेज जो आ रही है, यूवी रेज जो आ रही है, वो मेजर फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस आता है, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल के दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, मेजर फैक्टर ऑफ हीट लोड, माइनर फैक्टर्स ऑफ हीट लोड, ठीक है, या मेजर फैक्टर ऑफ रूम सेंसिबल हीट गेन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, या मेजर फैक्टर ऑफ सेंसिबल हीट, इतना भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें, कैसे भी आपको माइनर फैक्टर ऑफ हीट गेन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है माइनर फैक्टर ऑफ रूम सेंसिबल हीट गेन, या क्वेश्चन इतना ही कहते हैं कि माइनर फैक्टर ऑफ सेंसिबल हीट, सिर्फ इतना, माइनर फैक्टर्स ऑफ सेंसिबल हीट, आंसर सेम ही आएगा, टॉपिक सेम ही है सारे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने वर्क करना है, इसको प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अपने सप्लीट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिए थे सारे। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो बहुत ही मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कि अगर कोई एडवांसमेंट हुई है, नई टेक्नोलॉजी आई है रेफ्रिजरेशन के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। जस्ट वो नॉलेज के लिए है, पेपर में उसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं बनते, पेपर में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इस साइक्रोमेट्री वाले में से जा लास्ट जितने भी अपन ने चैप्टर पढ़े हैं उसके ऊपर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे अपन। थैंक यू।